नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दानापुर जोगबनी ट्रेन का आज कमर्शियल रन है और कमर्शियल रन के लिए हमारी ट्रेन निकल चुकी है दानापुर से, और कल से जोगबनी से यह ट्रेन जो है अपना कमर्शियल रन शुरुआत करेगी। आप सभी को बता दें कि इस ट्रेन का दो रैक दिया गया है, एक रैक सुबह में दानापुर से जोगबनी के लिए जाएगा और दूसरा रैक फिर वो भी जो है सुबह में जोगबनी से दानापुर के लिए आएगा। तो दो रैक का जो है व्यवस्था रेलवे किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि दो रैक से जो है ये ट्रेन लेट लतीफ नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक रैक देने के बाद जो है ट्रेन जाती है, फिर उसको आने में जो है लेट हो जाता है, फिर उसके बाद दिक्कतें आती है। तो दानापुर जोगबनी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। चलिए मैप के जरिए देखते हैं कि हमारी ट्रेन किस रूट से जाती है और कौन सा वो रूट है, कौन कौन से स्टेशन पर यह ट्रेन अपना लोको रिवर्सल करती है और कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज है। तमाम तरह की जो जानकारी हम आज मैप के जरिए हम आपको दिखाएंगे और आपको इसकी जो है जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम बता दें कि दानापुर से हमारी जब ट्रेन निकलती है तो दानापुर से जो लाइन आ रही है, इस लाइन से जो पाटलिपुत्र आ जाती है, इसका पहला स्टॉपेज 5 किलोमीटर का पड़ता है पाटलिपुत्र, और उसके बाद यदि वेरा के रास्ते यह ट्रेन हमारी चली आती है सोनपुर जंक्शन। सोनपुर जंक्शन से यह ट्रेन सीधे निकलती है और हाजीपुर आ जाती है। यहाँ पर भी इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। तो हाजीपुर से यह ट्रेन घोसवर के रास्ते मुजफ्फरपुर की ओर जाती है और देख सकते हैं मैप में ये डबल लाइन है और इलेक्ट्रिफाइड लाइन है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर मेन लाइन है, तो इसी रास्ते यह ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए आती है। तो एक अच्छी रूट मैप है और कई जिलों को कनेक्ट करती है यह एक्सप्रेस ट्रेन। तो कई जिले के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है इस ट्रेन का परिचालन से। तो मुजफ्फरपुर आने के बाद यह ट्रेन अब समस्तीपुर के रास्ते जो है दरभंगा के लिए जाती है। तो सिसो होते हुए यह ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन आती है और आप सभी को हम बता दें कि कई जगह जो लोको रिवर्सल करना पड़ता है इस ट्रेन के लिए। तो आपको बता दें कि समस्तीपुर में भी इस ट्रेन का 30 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी लोको रिवर्सल करना पड़ता है। देखिए समस्तीपुर से ट्रेन जो है जब निकलती है दरभंगा के लिए तो यहाँ पर लोको को जो है बदलना पड़ता है क्योंकि मुक्तापुर के रास्ते जो है यह ट्रेन जाती है दरभंगा। तो इस रूट का भी जो है दोहरीकरण का काम चल रहा है, हालांकि कई सेक्शन में काम जो है पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दरभंगा जंक्शन, और दरभंगा जंक्शन से जो है दो लाइन निकलती है, एक सीतामढ़ी के लिए और एक ए लाइन जो है सकरी के लिए निकल जाती है। सकरी से 3 लाइन निकलती है तो हमारी ट्रेन मेन लाइन से सीधी लाइन से जाएगी घोघड़िया के रास्ते झंझारपुर होते हुए। तो झंझारपुर से भी एक लाइन निकलती है, तो देख सकते हैं तमुरिया नेमुआ हाल्ट होते हुए घोघड़िया आती है। घोघड़िया में इसका स्टॉपेज दिया गया, उसके अलावा निर्मली में भी इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया और निर्मली के बाद जो है यह पुल पार करने के बाद यह ट्रेन चली जाती है सरायगढ़ में। हालांकि सरायगढ़ में लोको रिवर्सल नहीं करना पड़ता है क्योंकि सीधी लाइन है और राघोपुर के रास्ते यह ट्रेन पहुंच जाती है प्रतापगंज होते हुए ललितगढ़। यहां पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं लोको रिवर्सल के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगता है, उसके बाद यह ट्रेन पहुँच जाती है फॉरबिसगंज। और ये रूट देख सकते हैं, अभी इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। नरपतगंज में इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया गया है, तो देना चाहिए नरपतगंज में क्योंकि एक मुख्य यानी रेलवे स्टेशन है नरपतगंज। तो यह ट्रेन आ जाती है फॉरबिसगंज, और फॉरबिसगंज में इस ट्रेन का लोको रिवर्सल किया जाता है और उसके बाद यह ट्रेन इस लाइन से जोगबनी चली जाती है। तो आगे जोगबनी रेलवे स्टेशन और यहाँ तक आती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।